सो हाई गाइज, दिस इज़ मी ममता विद ऑल ऑफ यू वंस अगैन। और आज हमने कुछ एक क्वेश्चंस लिए हैं, आप सब में से ही जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर हम कुछ आंसर्स दे रहे हैं। तो किसी ने पूछा है, मैम अगर इंटरव्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि डू यू एन्जॉय वर्किंग अलोन और यू लाइक टू वर्क एज अ टीम, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमने शुरू करना है कि वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्यों रहे हैं, इस क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ रीज़न क्या है, व्हाट दे वांट टू नो। तो कोई भी इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि आप काम कैसे करते हैं, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है। हमने भी रूटीन में अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो खुद जब अकेले काम करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, दे आर परफेक्ट, क्योंकि अपने तरीके से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्ट के हिसाब से वो काम करते हैं। लेकिन जब उन्हीं को आप किसी ग्रुप में डाल देते हैं तो वो बिल्कुल डिजास्टर कर देते हैं, क्योंकि वो ओवर पावर करना शुरू कर देते हैं, नहीं आई एम बेटर देन यू, आई कैन वर्क बेटर देन यू एंड ऑल दैट। तो वो बेसिकली इंटरव्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि आप एक लोगों के बीच में फिट होने वाले इंसान हैं या आप सिर्फ अकेले अकेले ही अपना काम करने में खुश रहते हैं। तो इस चीज़ का जानना उनका हक भी है और ये रीज़न भी इसलिए वैलिड है क्योंकि एयरलाइन में जो कैबिन क्रू होते हैं वो कभी अकेले काम नहीं करते, हमेशा आपके साथ 2, 3, 4, 5 या अप टू 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, बड़े एयरक्राफ्ट में 20-22 लोग भी आपके साथ होते हैं। जो 380 एयरक्राफ्ट है उसमें 20, 22, 25, 30 लोग भी आपके साथ होते हैं एज ए कैबिन क्रू। तो आपको ड्यूटीज़ जो है वो बांट के करनी पड़ती हैं। तो इंटरव्यूज़ जानना चाहते हैं कि आप क्या लोगों के साथ मिलके काम करने वालों में से हो या आप अकेले ही काम करने वालों में से हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। आपको मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वर्डिंग्स को कुछ भी, लेकिन एक आइडिया मैं आपको देती हूँ, लेकिन बनाना आपको अपने वर्ड्स में पड़ेगा, तभी वो नेचुरल लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप किसी चीज़ को रट्टा मार के आए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर को। सबसे पहले आपको कहना है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। आई डू अंडरस्टैंड कैबिन क्रू जॉब रिक्वायर्स पीपल टू वर्क टुगेदर बिकॉज वी आर नेवर वर्किंग अलोन ऑन बोर्ड। वी हैव अदर कलीग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और मे बी सम इंटरनेशनल कलीग्स एज वेल। सो देयरफॉर इट्स गुड फॉर अस टू जेल वेल विद ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम एज लॉन्ग एज द वर्क हैज़ बीन डन एंड टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। जो भी फ्लाइट का मोटिव है दैट इज अचीव्ड, this is it. And for me, I am a person who love to enjoy working alone as well as I love to work together with the team depending on the situation. Even in my school and college, wherever there were some activities, I used to always contribute to the team. Whenever there was something to be done, we were doing it together as a class. So we always achieved, we always got success, whether it was a bhangra group that I prepared and we were all doing a great job there. We danced so well and we achieved it. So the same thing when I'll come to this job, I'm going to contribute the same way. I'm going to work very well together with the team. So अगर इतना भी आप कह देंगे तो that is enough. आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल देनी है जिससे ये प्रूव हो जाए कि you are a people person, you love enjoy working with others and you gel well with people and this is it and this is what they want to hear because cabin crew job जो है that is very like you have to be a people person, you have to talk, you have to share, you have to listen to people. अब ऐसा नहीं है बस आपने कह दिया नहीं ये मेरा एरिया है, I'm gonna work this much and that's it. It doesn't work that way. So this is what they are expecting from you. आप इसमें कितने भी examples डालना चाहो, but I would say be to the point, answer to the question they are asking. Do not deviate their question and उसको कहीं और किसी और जर्नी पे मत लेके जाओ। So इसका ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जो मैंने अभी आपको दिया है। अगर आपने प्रीवियसली किसी कंपनी में काम किया हुआ है तो इसका आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड एज यू कैन सी इन माई CV, आई वॉज वर्किंग फॉर सो एंड सो कंपनी ऑलरेडी। आई वॉज वर्किंग विद 20 अदर कलीग्स ऑफ माइन एंड वी वर ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ आवर कंपनी, वर्किंग टुगेदर। आई वॉज डूइंग दिस एंड दे वर डूइंग दिस एंड वी वर ऑलवेज लिसनिंग टू ईच अदर, वी वर गिविंग ईच अदर फीडबैक एंड वी ऑलवेज गॉट सक्सेस। Simple as that. You don't have to really go on and on and on and on. क्योंकि इंटरव्यूअर्स के पास भी ईच कैंडिडेट को एंटरटेन करने के लिए घंटों नहीं होते, तो उनके पास भी लिमिटेड टाइम रहता है। उनको वही कहिए जो उनको सुनना है या जिसकी ज़रूरत है। आई होप इस क्वेश्चन को मैंने क्लैरिफाई किया होगा आपके लिए और जो आपके पसंद का आंसर है वो आपको मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।